दोस्तों नमस्कार। मोदी सरकार का गठन हो गया है, मंत्रियों ने शपथ ले ली है और उनके मंत्रालय भी बांट दिए गए हैं। वेस्टर्न यूपी में जयंत चौधरी को अहम जिम्मेदारी दी गई है, उन्हें मोदी कैबिनेट में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के साथ उन्हें शिक्षा मंत्रालय भी मिला है। जयंत चौधरी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय को स्वतंत्र प्रभार के तौर पर देखेंगे और इसके अलावा कैबिनेट मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी भी निभाएंगे। वेस्टर्न यूपी के युवाओं को साधने के लिए, खास तौर पर ग्रामीण युवाओं को साधने के लिए इसे बड़ा दांव माना जा रहा है। वेस्टर्न यूपी के युवा विभिन्न आंदोलनों में आम तौर पर बहुत मुखर रहते हैं और पिछले दिनों हुए किसान आंदोलनों में भी उनकी बड़ी हिस्सेदारी देखी गई। शिक्षा मंत्रालय में जयंत चौधरी को जिम्मेदारी देने के पीछे माना जा रहा है कि वो हायर एजुकेशन में कुछ नए नवाचारों को बढ़ावा देंगे। और ये जो शिक्षा मंत्रालय है, 2014 में इसका नाम शिक्षा मंत्रालय हुआ, इससे पहले से मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहा जाता था और ये प्राइमरी से हायर एजुकेशन तक नवाचार में भूमिका निभाता है और देश के सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, IIM, IITs इन सब के का प्रबंधन भी देखता है। इसके साथ ही जो मंत्रालय जयंत चौधरी को दिया गया है, स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, उसकी बड़ी भूमिका इंडस्ट्री की जरूरतों के मुताबिक देश के युवाओं की स्किल को डेवलप करना है। विभिन्न तरह के जरूरतें और विभिन्न तरह की इंडस्ट्री की भविष्य की जरूरतों के मुताबिक स्किल्ड लोगों को तैयार करना इस मंत्रालय का काम है। तो इस तौर पर भी ये बहुत अहम मंत्रालय है। वेस्टर्न यूपी की अगर बात करें तो 2014 की मोदी सरकार में बागपत से सत्यपाल सिंह को केंद्र में मंत्री बनाया गया था और तब उन्हें मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया था। इसके बाद बीच में ही मुजफ्फरनगर के सांसद संजीव बालियान को मंत्री बनाया गया और 2019 में जब संजीव बालियान ने चौधरी अजीत सिंह को हराया तो उन्हें फिर से केंद्र सरकार में मंत्री बनाया गया। इस बार वेस्टर्न यूपी से जयंत चौधरी अकेले मंत्री हैं और उन्हें दो दो मंत्रालय दिए गए हैं, अहम जिम्मेदारी दी गई है। शुरुआत में कहा जा रहा था कि वो बतौर कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे मोदी सरकार में, लेकिन जब मंत्री बन रहे थे, शपथ ले रहे थे, तो उस वक्त जयंत चौधरी ने बतौर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार शपथ ली, जिसे उनके समर्थकों ने और उनके चाहने वालों ने उनके लिए झटका माना और इसको भांपते हुए बीजेपी ने तुरंत उनको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के साथ एक और मंत्रालय में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दे दी। और ये जो विभाग है, ये दोनों विभाग बेहद महत्वपूर्ण हैं और ये खास तौर पर युवाओं के करियर को दिशा देने में इन विभागों की अहम भूमिका है। तो इस तौर पर माना जा रहा है कि जयंत चौधरी के जरिए खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब की बेल्ट में युवाओं को साधने की कोशिश की गई है।